हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैलेंट स्प्रिंट। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर टॉपिक है। ऑलमोस्ट सभी एप्टीट्यूड बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर कोई ना कोई शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो तो आप इन क्वेश्चंस को बिना शॉर्टकट फॉर्मूला यूज किए भी बहुत इजीली एंड क्विकली सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम एंड डिस्टेंस। तो जैसे कि आप इस टॉपिक के नेम से समझ सकते हैं, यहां पर हमें टाइम और डिस्टेंस से डील करना है, राइट? इन दोनों वेरिएबल्स से हमें डील करना होता है सभी क्वेश्चंस में, टाइम एंड डिस्टेंस। और इन दोनों को जब हम साथ में यूज करेंगे तो एक और नया वेरिएबल आएगा जिसे हम कहते हैं स्पीड, राइट? हिंदी में जिसे हम गति कहते हैं, राइट? सो देखते हैं क्या ये वेरिएबल्स हैं जिनसे हमें डील करना है इन टॉपिक, इस टॉपिक के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले टाइम, राइट? टाइम हम जनरली डिनोट करेंगे टी से, राइट? नेक्स्ट डिस्टेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे डी से, राइट? स्मॉल डी। और इन दोनों को मिलाकर जो वेरिएबल आएगा उसे हम कहते हैं स्पीड, राइट? स्पीड इज द रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड, राइट? आप किस रेट से दी गई डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं उसे हम स्पीड कहते हैं, राइट? सो स्पीड को हम डिनोट करेंगे एस से, स्पीड हम डिनोट करेंगे एस से। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स और वेरिएबल्स हैं यहां पर, राइट? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, राइट? अब इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? स्पीड, जिसे मैंने बताया, स्पीड इज द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड, आप किस रेट से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट? डिस्टेंस यानी कोई लेंथ, राइट? कोई लेंथ, या जिसे हम हिंदी में दूरी कह सकते हैं, राइट? तो किसी दूरी को आपको कवर करना हो तो आप कितने समय में उसे कवर करेंगे, राइट? किस रेट से कवर करेंगे उसे हम स्पीड कहते हैं, राइट? सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, राइट? ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, राइट? सो ये है सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक का, बेसिक आइडिया यही रहेगा कि हमेशा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब चाहे वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हो या फिर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट हो, हमेशा स्पीड हम डिस्टेंस बाई टाइम ही मेजर करेंगे। तो अगर आप देखें इसे, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, राइट? ये है सबसे बेसिक फॉर्मूला इस टॉपिक का, राइट? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम या एस इज इक्वल टू डी बाई टी। वैसे अगर आप देखें इस एक इक्वेशन में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एस, डी और टी, यानी इन तीनों में से हमें कोई भी दो दिए जाएंगे और हमें थर्ड वेरिएबल कैलकुलेट करना होगा, राइट? मान ले डिस्टेंस और टाइम दिए गए, राइट? डी और टी की वैल्यूज दी गई है, हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? एस इक्वल्स टू डी बाई टी, राइट? अब इसी फॉर्मूले से आप और भी दो इक्वेशन प्रिंट कर सकते हैं, राइट? हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, राइट? तो अगर स्पीड और टाइम दिए गए हो, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, राइट? एंड फाइनली टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट? आप इस इक्वेशन को देखिए, टाइम और स्पीड को हमें इंटरचेंज करना है, राइट? टाइम उधर जाएगा और स्पीड यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये दो और इक्वेशन है, या फिर आप फॉर्मूले कह सकते हैं, जो हम इस बेसिक इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, राइट? वैसे आपको तीनों याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन, राइट? एक ही फॉर्मूला है, दिखने में आपको तीन अलग अलग इक्वेशन लगेंगे, लेकिन सेम इक्वेशन है। क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि किस रेट से, राइट, आप स्पीड कवर, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट? तो डिस्टेंस बाय टाइम देना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर आप देखें, या फिर इस बेसिक इक्वेशन को देखें, तो हमें ये पता चलेगा कि कैसे ये वेरिएबल्स एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट? इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? अगर किसी दो वेरिएबल्स को आपको लेना हो, इनके बीच में कैसी प्रोपोर्शनैलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? चलिए वो समझ लेते हैं। तो अगर आप देखें यहां पर, मान लें टाइम कॉन्स्टेंट हो, टाइम कॉन्स्टेंट है यानी टाइम फिक्स्ड है, आपके पास 4 आवर्स है एंड आपको कवर करनी है कुछ डिस्टेंस, राइट? आपके पास 4 आवर्स, कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? तब क्या होगा? अगर आपकी स्पीड हाई होगी तो डिस्टेंस कवर्ड भी ज्यादा होगी, अगर आपकी स्पीड लो है तो डिस्टेंस कवर्ड कम होगी, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को देखें, स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम क्या कह रहे हैं? टाइम कांस्टेंट है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है, तो डिनोमिनेटर फिक्स्ड है यहां पर। तो अगर आप देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय कांस्टेंट, यानी स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम कह सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तब अगर टाइम कांस्टेंट हो तो, कांस्टेंट का मतलब है टाइम अगर फिक्स्ड हो तो, राइट? अगर 4 आवर्स का टाइम दिया जाए
कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे आप, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर. अगर ज्यादा स्पीड हो तो ज्यादा डिस्टेंस, कम स्पीड हो तो कम डिस्टेंस. जैसे ना जितनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी. जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होगी वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. या कॉन्वर्सली आप कह सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी हो तो आपकी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए, अगर कम डिस्टेंस कवर करनी हो तो स्पीड कम होनी चाहिए. तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में. तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से अगर टाइम कांस्टेंट हो. सिमिलरली हम देखते हैं कि अगर कोई दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट हो तो कैसे इन्हें रिलेट करेंगे. जैसे मान लें कि डिस्टेंस फिक्स्ड है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट, स्पीड और टाइम फिर कैसे चेंज होंगे, राइट. तो क्या होगा अगर ये फिक्स्ड है, न्यूमेरेटर फिक्स्ड है, तो स्पीड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट. देखिए अगर टाइम डिनोमिनेटर में है यहां पर और स्पीड उस तरफ न्यूमेरेटर में, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. कब? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, राइट. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसका मतलब क्या होगा, आपको फिक्स्ड डिस्टेंस दी गई है, मान ली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस है, आपको ये डिस्टेंस कवर करनी है, राइट. अब 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करनी हो तो कितना टाइम लगेगा, ये डिपेंड करता है स्पीड पर. अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम होगा. ध्यान रहे स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं है. तो स्पीड अगर ज्यादा होती है तो टाइम कम हो जाएगा, राइट. ऑब्वियसली बात है, राइट, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग. अगर आप हाई स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो कम टाइम में उस डिस्टेंस को कवर कर सकेंगे, जो भी डिस्टेंस आपको कवर करनी हो. अगर लो स्पीड पर हम ट्रैवल कर रहे हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, राइट. तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों इनवर्स है. जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी वैसे टाइम डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे स्पीड डिक्रीज होगी टाइम इंक्रीज होगा. तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. और जो लास्ट रिलेशनशिप है वो है डिस्टेंस और टाइम के बीच में, राइट. डिस्टेंस और टाइम कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकेंगे हम, अगर स्पीड कॉन्स्टेंट होगी, यानी आप फिक्स्ड स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं, राइट. सो तब क्या होगा, डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम अगर स्पीड कॉन्स्टेंट है. इसे अगर आपको इजीली समझना हो तो आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन. यहां पर स्पीड फिक्स्ड है, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है. तब क्या देखेंगे आप, डिस्टेंस और टाइम दोनों न्यूमरेटर साइड पर है, राइट. तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहां पर ये फिक्स्ड है. तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे वैसे टाइम इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होगी वैसे वैसे टाइम डिक्रीज होगा. इसीलिए डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट. मान ले एग्जाम्पल के तौर पर कि हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हैं, राइट. स्पीड फिक्स्ड है, स्पीड चेंज नहीं होगी 60 किलोमीटर पर आवर. अब आप कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, राइट. या फिर किसी डिस्टेंस को कवर करने में आपको कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा रिलेशनशिप डिस्टेंस और टाइम का, डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो अगर आपकी डिस्टेंस ज्यादा हो, अगर आपको यू नो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी हो तो ज्यादा टाइम लगेगा, राइट, मोर टाइम लगेगा. अगर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है. अगर ये इंक्रीज होती है, डिस्टेंस इंक्रीज होती है, तो टाइम टेकन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि स्पीड आपकी फिक्स्ड है, राइट, स्पीड चेंज नहीं हो रही है. और अगर डिस्टेंस कम होती है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो टाइम टेकन कम होगा. तो ये रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इन्हीं रिलेशनशिप से ये फॉर्मूला डिराइव किया गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. और इसीलिए हम स्पीड कहते हैं कि इट इज द रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड, राइट. आप किस रेट पर, रेट यानी टाइम, बेसिकली रेट हम टाइम से रिलेट कर सकते हैं, राइट, रेट को. सो द रेट एट विच द डिस्टेंस इज कवर्ड, राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, राइट. अगर टाइम फिक्स्ड हो, टाइम कांस्टेंट हो, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. और अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. और वैसे जो बेसिक इक्वेशन है, जो फंडामेंटल फॉर्मूला है इस टॉपिक का, वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो कोई भी दो वेरिएबल्स दिए जाएंगे, आपको वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके सही जगह पर जो मिसिंग वेरिएबल, जो थर्ड वेरिएबल है, उसे कैलकुलेट करना होता है. तो ये है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम इस टॉपिक का बेसिक इंट्रोडक्शन. तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में. टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां पर हमें प्रॉपरली यूनिट्स यूज करने होंगे अलग अलग वेरिएबल्स के सही आंसर कैलकुलेट करने के लिए, राइट. जैसे अगर आप इस टॉपिक के बेसिक इक्वेशन को देखें, जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट. हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस. अब इन तीनों वेरिएबल्स को अलग अलग यूनिट्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट. इन्हें अलग अलग यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है. जैसे एग्जाम्पल अगर आप डिस्टेंस को देखें, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यानी दूरी, राइट. अगर हिंदी में आप देखें दूरी कहते हैं, लेंथ होती है, राइट. डिस्टेंस एक लेंथ है. अब लेंथ को हम कई सारे यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, राइट. लेंथ को किलोमीटर्स में मेजर किया जा सकता है, लेंथ को मीटर्स में मेजर किया जा सकता है, या फिर हम इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, राइट, या फिर फीट, यार्ड्स, अलग अलग यूनिट से लेंथ मेजर करने के. तो पॉइंट ये है कि डिस्टेंस को कई सारे यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है, लेकिन जनरली
हम डिस्टेंस किलोमीटर्स या मीटर्स में मेजर करते हैं, राइट, जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस हमेशा मीटर्स या फिर किलोमीटर्स में मेजर की जाती है, राइट। सो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि डिस्टेंस या तो मीटर्स में दी गई होगी या फिर किलोमीटर्स में, राइट। अब अगर आप नेक्स्ट यूनिट को देखें, टाइम कई यूनिट्स में मेजर किए जा सकते हैं, राइट। जैसे टाइम हम सेकेंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम मिनट्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, टाइम आवर्स में कैलकुलेट किया जा सकता है, टाइम फिर अगर आप देखें डेज में मेजर कर सकते हैं, राइट। टू डेज का मतलब क्या है, टू डेज यानी टाइम पीरियड है, राइट, या फिर टाइम आप वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में, सेंचुरीज में मेजर किया जा सकता है, राइट। तो टाइम के भी कई यूनिट्स है, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो हम जनरली यूज करते हैं वो है सेकेंड्स और आवर्स, राइट। या तो हम इसे सेकेंड्स में मेजर करेंगे या फिर आवर्स में, मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, एक और यूनिट है मिनट्स, लेकिन जनरली सेकेंड्स एंड आवर्स में मेजर किया जा सकता है। अब क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग यूनिट्स में मेजर किए जा सकते हैं, इनके थ्रू जो स्पीड आएगी वो भी कई सारे वेरिएबल्स यूनिट्स में मेजर की जा सकेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान ले कि अगर डिस्टेंस मीटर्स में है और टाइम सेकेंड्स में, तो स्पीड क्या होगी, मीटर्स पर सेकेंड, राइट, मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स सो मेनी मीटर्स डिवाइड बाय सो मेनी सेकेंड्स, तो वहां पर हम देखेंगे कि स्पीड मीटर्स पर सेकेंड में होगी। अगर डिस्टेंस मीटर्स में है और टाइम है आवर्स में, तो स्पीड क्या आएगी, मीटर्स पर आवर, राइट, आप कितने मीटर्स कवर कर सकते हैं पर आवर, राइट, एक आवर में, एक घंटे में। सिमिलरली अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम है सेकेंड्स में, तो स्पीड का जो यूनिट होगा, मेजरमेंट यूनिट होगा, वो होगा किलोमीटर्स पर सेकेंड, यानी आप इतने किलोमीटर्स कवर कर सकते हैं पर सेकेंड, एक सेकेंड में। वैसे ही अगर किलोमीटर्स इन आवर्स हैं तो किलोमीटर्स पर आवर। मान लिया अगर डिस्टेंस इंचेस में मेजर की गई हो और टाइम मेजर किया गया सेंचुरीज में, तो स्पीड का यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, इंचेस पर सेंचुरी, आप कितने इंचेस मेजर कर सकते हैं, इतना इंचेस ट्रैवल कर सकते हैं एक सेंचुरी में, यानी 100 इयर्स में। तो कई सारे यूनिट्स हैं जिसमें स्पीड मेजर की जा सकती है अकॉर्डिंग टू यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, लेकिन फिर से जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है वो बेस्ड होंगे इन यूनिट्स पर, राइट। तो अगर आप डिस्टेंस मीटर्स में ले और टाइम सेकेंड्स में, तो स्पीड आएगी मीटर्स पर सेकेंड, जो कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, राइट, मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। सिमिलरली अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में ली जाए और टाइम आवर्स में, तो स्पीड को हम मेजर करते हैं किलोमीटर्स पर आवर में, राइट, किलोमीटर्स पर आवर, या फिर इसे आप यू नो जनरली KMPH भी लिख सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कि कैसे अलग अलग वेरिएबल्स मेजर किए जा सकते हैं, राइट। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार हमें इन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को कन्वर्ट करना पड़ सकता है क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करने के लिए, राइट। ध्यान रहे कि जब भी हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट्स प्रॉपर होने चाहिए, राइट, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, इन तीनों के यूनिट्स एक दूसरे के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे कि अगर मान ले हमें पता है स्पीड मीटर्स पर सेकेंड में ही जनरली कैलकुलेट की जाती है या फिर किलोमीटर्स पर आवर में मेजर की जाती है, तो अगर डिस्टेंस मीटर्स में दी गई हो और टाइम आवर्स में दिया गया हो, तो हम डायरेक्टली इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीटर्स पर आवर ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, राइट। अनलेस ऑप्शंस में अगर हमें मीटर्स पर आवर में आंसर दिया गया हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऑप्शंस में किलोमीटर्स पर आवर या फिर मीटर्स पर सेकेंड दिया गया हो, तब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कन्वर्ट करेंगे, या तो डिस्टेंस को मीटर्स से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर टाइम को आवर से सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, एंड फाइनली आंसर आएगा या तो मीटर्स पर सेकेंड या फिर किलोमीटर्स पर आवर में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स इसे मिस कर जाते हैं, राइट, जो भी वैल्यूज दी गई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आंसर मार्क करेंगे, जो कि रॉन्ग होगा अगर यूनिट्स प्रॉपर ना हो। तो देख लेते हैं कि कैसे हम इन यूनिट्स को एक इन वेरिएबल्स को एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट से दूसरे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस से, राइट, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मान लें 1 किलोमीटर है, राइट, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स। अब ये सभी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, आपको ये नो पता होनी चाहिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो आप इस एक इक्वेशन को आप यूज करके जो भी डिस्टेंस हो उसे किलोमीटर से मीटर्स में या फिर मीटर से किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लिया डिस्टेंस है 3.6 किलोमीटर, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स है, तो 3.6 किलोमीटर कितना होगा, 3.6 किलोमीटर इन 3.6 into 1000, राइट, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर सब्स्टिट्यूट करना है, तो 3.6 into 1000 होता है 3600, so 3.6 किलोमीटर्स is equal to 3600 meters. Similarly अगर meters से किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना हो, राइट, 1000 meters is 1 किलोमीटर, राइट, तो अगर आपको मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, राइट, 1000 meters है, इसे 1000 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 किलोमीटर। तो अगर डिस्टेंस दी गई हो मीटर्स में, मान लिया डिस्टेंस दी गई है 600 meters, लेकिन आपको आपकी रिक्वायरमेंट है किलोमीटर्स में, तो कैसे करेंगे, 600 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 600 मीटर्स डिवाइड बाय 1000, तो 600 बाय 1000 कितना होगा 0.6 किलोमीटर, 600 मीटर्स इज इक्वल टू
0.6 किलोमीटर. तो ऐसे हम डिस्टेंस को डिस्टेंस के यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, एक यूनिट से दूसरे यूनिट. नेक्स्ट देखते हैं टाइम. टाइम को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. टाइम जनरली जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, या तो आवर्स में मेजर किया जाएगा या फिर सेकंड्स में. तो वन आवर इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स. तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स हम लिख सकते हैं, 60 मिनट्स. लेकिन हमें सेकंड्स में चाहिए, से राइट, ईच मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. 1 मिनट 60 सेकंड्स होते हैं. तो अगर 60 मिनट्स है तो कितने सेकंड्स होंगे, 60 into 60 अगर आप करें आएगा 3600 सेकंड्स. तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मीटर्स और 3600 सेकंड्स. अब आपको कैसे कन्वर्ट करना है उसके बेसिस पर आप इसे यूज कर सकते हैं. मान ले आपको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो, कैसे करेंगे. सी 1 आवर इज 60 मिनट्स, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स. जस्ट नो, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 से डिवाइड करना है दोनों साइड. सो 1/60 आवर्स इज इक्वल टू 1 मिनट. अब मान ले अगर टाइम दिया गया है 45 मिनट्स, 45 मिनट्स को आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, 45 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, राइट, क्योंकि मिनट्स को जब हम 60 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा. सो 45/60 हो जाएगा 3/4 या 0.75. सो 45 मिनट्स इज इक्वल टू 0.75 आवर्स और 3/4 आवर्स. सिमिलरली आवर्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना तो 60 से मल्टीप्लाई करें. ये बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है, राइट. जैसे 3 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 3 into 60 मिनट्स, 180 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. सिमिलरली आवर्स टू सेकंड्स भी कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट. मान ले दिया जाए 3600 सेकंड्स, 1 आवर. अगर 7200 सेकंड्स दिए गए उसे आवर्स में कन्वर्ट करना, सो डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 7200 सेकंड्स है, किससे डिवाइड करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं. तो 7200 सेकंड्स है, 3600 से डिवाइड करेंगे 2 आवर्स आएगा, राइट. तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकेंगे आवर्स को सेकंड्स में और सेकंड्स को आवर्स में. तो बेसिकली इसी एक इक्वेशन यूज करके हम टाइम के यूनिट्स चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पीड को कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट. कई बार क्या होता है स्पीड मीटर्स पर सेकंड में दी गई है लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर्स पर आवर में, या वाइस वर्सा, किलोमीटर्स पर आवर में दी गई है और रिक्वायरमेंट है मीटर्स पर सेकंड में. तो देखते हैं कि कैसे हम स्पीड को कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, राइट. अब स्पीड जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम, राइट. मान लेते हैं डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, राइट. स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर ये है स्पीड, दी गई स्पीड. अब 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर की जा सकती है पर आवर, टाइम 1 आवर में. सो 1 किलोमीटर कवर कर सकते हैं 1 आवर में. सो बेसिकली इसे हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बाई 1 आवर, राइट. 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब. और 1 किलोमीटर अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो 1000 मीटर्स, राइट. एंड 1 आवर को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 3600 सेकेंड्स, राइट. तो अगर आप देखें जो स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर थी, अब वो मीटर्स और सेकेंड्स के यूनिट्स में आ गई. बस इसे सिंप्लीफाई करना है, राइट. क्या करेंगे, दिस इज 200 into 5 और 200 into 18. सो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 meters per second, 5/18 meters per second, राइट. सो ये है कन्वर्जन, 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 meters per second, राइट. या फिर अगर 1 meter per 5/18, राइट, 5/18 meters per second, या फिर 1 meter per second को आपको, या मीटर्स पर सेकेंड को आपको किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे. So, 1 meter per second हो जाएगा 18/5 kilometers per hour, right? So, आपको ये ध्यान में रखना है, 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meters per second, right? और इससे जो दूसरा कन्वर्ट आएगा वो ये है कि 1 meter per second is equal to 18/5 kilometers per hour, 18/5 kilometers per hour. तो ऐसे आप यूनिट्स कन्वर्ट कर सकते हैं स्पीड के. ये दो स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स है, राइट. किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना एंड मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना. तो अगर आपको किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जो भी मैग्नीट्यूड हो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करना है, जो भी मैग्नीट्यूड दिया गया हो, सो एंड सो एक्स मीटर्स पर सेकंड, उस एक्स को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर्स पर आवर में कन्वर्ट करेंगे. तो आपको ये ध्यान में रखना है, राइट. ये याद रखना है आपको कन्वर्जन. एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. मान ले स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, राइट. स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर और आपको ये कन्वर्ट करनी है मीटर्स पर सेकंड में. 90 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर्स, कैसे करेंगे, किलोमीटर्स पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. तो जो भी मैग्नीट्यूड है 90 है ना, 90 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर्स पर सेकंड में लाने के लिए, राइट. 1 किलोमीटर पर आवर को हमने 5/18 meters per second से कन्वर्ट कर दिया. अब जो भी 90 है वो एज इट इज रहेगा. तो ये क्या होगा, 5 times यहाँ पर कैंसिल होता है, 5 into 5, 25
meters per second. So 90 kilometers per hour is equal to 25 meters per second. Similarly, दूसरा conversion अगर करना हो, speed is equal to, let's say मान ले 20 meters per second. 20 meters per second. इसे हमें convert करना है kilometers per hour में. कितने kilometers per hour है? कैसे करेंगे? Meters per second को 5 by 18 kilometers per hour से replace कर सकते हैं. 1 meter per second को, sorry, 1 meter per second को 18 by 5 kilometers per hour से replace कर सकते हैं. यहाँ पर कितने हैं? 20 meters per second. तो इसे क्या करके 20 into 1 meter per second की जगह 18 by 5 kilometers per hour. अब इसे simplify करिए, 4 times cancel होगा. 4 18 कितना होता है? 72. ये हो जाएगा 72 kilometers per hour. So 20 meters per second is equal to 72 kilometers per hour. तो ऐसे हमें convert करना है. इतने सारे steps आपको लिखने नहीं हैं. अगर आप calculation mentally कर सकें, तो directly भी convert कर सकते हैं. Kilometers per hour to meters per second. या फिर मीटर्स पर सेकंड टू किलोमीटर्स पर आर. तो बेसिकली पॉइंट यही है कि कई यूनिट्स होते हैं डिस्टेंस को और टाइम को और स्पीड को मेजर करने के, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं डिस्टेंस के लिए किलोमीटर्स और मीटर्स, टाइम के लिए आवर्स और सेकेंड्स, एंड स्पीड के लिए अकॉर्डिंगली आएंगे किलोमीटर्स पर आर और मीटर्स पर सेकेंड. तो यूनिट्स को प्रॉपरली हमें बैलेंस करना होगा हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, राइट. फाइनल सिंप्लीफिकेशन करने से पहले देखने की यूनिट्स सही है या नहीं, राइट, प्रॉपर है या नहीं. या तो सारे किलोमीटर्स एंड आवर्स एंड किलोमीटर्स पर आवर में होने चाहिए, या फिर मीटर्स सेकंड्स और मीटर्स पर सेकंड में होने चाहिए. अगर कोई भी एक ना हो तो उसे अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना होगा इन कन्वर्जन रूल्स के अनुसार.